जय माता दी। तो यात्रा अनोर से नुकनाली की ओर बढ़ती हुई और अभी टाइम है 5 बजे। ये आप देख सकते हो भक्तजन अपने अपने लाइट टॉर्च जगा के चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता माता रानी के भवन की ओर, और हम भी तैयार हो चुके हैं, इसके बाद निकलेंगे थोड़े टाइम बाद। तो अभी हम पहुंचे हैं खब्बी, और खब्बी से ऊपर जो चढ़ाई शुरू होती है शिलाइता के लिए, यात्रा उस राह पे चल चुकी है और यात्री बड़ी शांति से, बड़े ही डिसिप्लिन से यहां से निकलते हुए, क्योंकि यहां रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है ऊपर, तो उसके चलते या आपको ध्यान रखना होगा कि आप सही रास्ते पर ही चलें और पत्थर वगैरह ना गिराए। जय माता दी। तो यात्रा पहुंच चुकी है शिलाइता में, और आप देख सकते हो भक्तजन यहाँ लंगर का आनंद लेते हुए अभी यात्रा यहाँ से निकलेगी जब थोड़ी रोशनी आ जाएगी। और बाकी आप देख सकते हो काफी तादाद में यात्री यहाँ शिलाइता में पहुंचे हैं। यहाँ लंगर जो होता है उनका टेंट है, और काफ़ी दूर दूर आके लोग यहाँ लंगर लगाते हैं और सबको माता रानी का आशीर्वाद मिलता है हमेशा। तो यहाँ से थोड़ी देर बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हो आप हमारी यात्रा जो नुकनाली के लिए जा रही है, लंबी तलाई पहुंचने वाली है, और यहाँ भी अलग अलग प्रकार के लंगर खाने को मिलेंगे आपको। लंगर का आनंद लेने के बाद यात्रा भी बढ़ चुकी है नुकनाली भवन की ओर। आप देख सकते हो ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा इन कंकरों में इस कठिन रास्ते में माता रानी के दरबार की ओर बढ़ती है। सारा गला खुला आखिर ना कोई रोक लिया। हाँ जी, ला ला यार सुनने का ला कोई पसीदा चल तो मैं भाग भाग एक मिनट वो पादरी बताऊं करा लूँ ना। जय 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 जय
तो माता नुकनाली जहाँ भवन है उसके थोड़ा सा नीचे अभी हम पहुँचे हैं। तो कुछ ही क्षण बाद हम पहुँचेंगे माता रानी के पावन चरणों में। तो आप देख सकते हो यात्री जो हैं वो अपने जयकारों के साथ माता रानी के दरबार की ओर बढ़ते हुए। तो ये रहा नुकनाली माता का भवन और अभी यात्रा संपन्न हो चुकी है तकरीबन। तो हम जा रहे हैं वापस, बाकी हम आपको बताते चलेंगे। यहीं पे हमारी वीडियो को जो है वो समाप्त होती है और धन्यवाद।